टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन जैसे नाम से जाहिर है कि टीचर इज़ डायरेक्टिंग इंस्ट्रक्शन टीचर इज गिविंग इन्फॉर्मेशन टीचर इज़ यूजिंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ टू टीच स्टूडेंट्स सो इसमें uh, जो है वो क्या डायरेक्शन है टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स एनी स्ट्रैटेजीज इनिश एंड गाइडेड बाई टीचर वो लेक्चर मैथड भी हो सकता है वो डिस्कशन मैथड भी हो सकता है वो क्वेश्चन आंसर भी हो सकता है वो क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करने का तरीका भी हो सकता है यानी कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन की स्ट्रेटजी जो कि टीचर की तरफ से इनिशिएट की जाए उसको हम टीचर डायरेक्टेड कहते हैं उसमें होमवर्क भी टीचर असाइन करता है उसमें असाइनमेंट्स का फैसला भी टीचर करता है उसमें एग्जामिनेशन का फ़ैसला भी टीचर करता है कब मिड टर्म होगा कितने मार्क्स का होगा एग्जामिनेशन फ़ाइनल uh, कितने का होगा आपकी असाइनमेंट की जो टोटल वर्थ है वो कितनी होगी और स्टूडेंट्स जो हैं वो कोलेबरेटिव वर्क करेंगे या इंडिविजुअल वर्क करेंगे प्रोजेक्ट्स करेंगे तो कितने मार्क्स का करेंगे ये सारे डिसीजनस जो क्लास से रिलेटेड हैं ये टीचर की तरफ से आते हैं इसी तरह डिसिप्लिन क्लास का किस किस्म का होगा डेकोरम क्लास का किस किस्म का होगा कितने लेक्चर्स पर वीक होंगे और कितने स्टूडेंट्स जो हैं उनकी पार्टिसिपेशन कितने परसेंट होगी ये सारे डिसीजन टीचर्स बनाता है उसके बाद टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन आल्सो इंक्लूड स्ट्रेटजीज़ दैट इवाल्व्स मोर एक्टिव रिस्पॉन्स फ्राम स्टूडेंट्स सच एज इंकरजिंग स्टूडेंट्स टू लेबोरेट न्यू नॉलेज हम अब टीचर की तरफ से ये डिसीजन है कि वो बच्चों को कोई काम असाइन कर देता है और उन्हें कहता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन जो हैं मेरी गाइडलाइन के मुताबिक जो है उसके मुताबिक बना के लाएँ आपके मार्क्स इतने होंगे ये गाइडलाइन को आप फॉलो करें और इसके मुताबिक सारी प्रजेंटेशन बताएं यानी हर एक चीज़ के लिए गाइडलाइन जो है वो टीचर प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को तो इसको टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं इसके फायदे भी हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक डायरेक्शन में चलते हैं और डिसप्लेंड होते हैं लेकिन इसका नुकसान ये है कि स्टूडेंट्स जो है उनकी इन अगर इन्वालमेंट कम की जाए और टीचर ही की सारी इन्वालमेंट हो तो बाज़ का स्टूडेंट्स बड़े वो जो है डिसंगेज हो जाते हैं क्लास में और उनकी इंटरेस्ट और मोटिवेशन जो है वो डाउन हो जाती है इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि टीचर की डायरेक्शन तो ज़रूरी है लेकिन स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन जो है उसमें वो मैक्सिमम टीचर को जो है रखनी चाहिए चाहे वो उनसे सवाल जो आपके साथ ही पार्टिसिपेशन रखे या फिर उनको असाइनमेंट जो है उसकी प्रेजेंटेशन उनसे करवाए या फिर उनकी ओपिनियन से कोई क्लास के अंदर जो लेक्चर्स हैं उनको वो जो है वो मैनेज करे तो ये सारी जो चीज़ है टीचर डायरेक्शन जो है इससे ये है कि बच्चे अपनी डायरेक्शन लूज़ नहीं करते अगर आप हर एक बच्चे से कहेंगे तुम सोच के आओ तो बात बच्चे जो हैं वो इतना अच्छा प्लान नहीं कर सकते जितना अच्छा एक टीचर प्लान करता है सो टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन इज़ आल्सो वेरी बेनिफिशियल इफ़ इट इज़ प्लान वेल and it will give the benefits to students always.